छानना भी शुरू कर दिए। ये लोग वहाँ खाना नहीं खिलाएंगे, घर का ही खाना भेज रही है ये। और अरे मम्मी वहाँ हर जगह खुल गया भाई, कहाँ टेंशन ले रही हो। मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द सेम व्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 3, उठ के फटाफट से फ्रेश होके मैं नहावा लिया हूँ। बाहर का सीन देखो क्या होगा, मुझे पता नहीं लाइट खुली छोड़ दिया था कि क्या। रुको बाहर से दिखाऊँ। सुबह के 3 बज रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं, ये पता नहीं किसकी है भाई जल रही लाइट। मैं अभी तैयार नहीं हूँ, तो मैंने वैसे कपड़े डाल रखे हैं, नीचे जा रहा हूँ। मम्मी वगैरह तो उठी गई हैं, फटाफट से चेंज करता हूँ और ओला का ट्राई करता हूँ बुक करना। अभी नहीं, 3:30 से चेक करूँगा, ताकि 4 बजे तक ऑलमोस्ट हम लोग को ओला मिल जाए, क्योंकि एक तो बहुत जल्दी ही है सुबह सुबह। उसके बाद से भाई वैसे लॉन्ग ट्रिप पे मिल जानी चाहिए, बहुत नखरे करते हैं, इसलिए थोड़ी जल्दी पहले अगर वहाँ पे जल्दी पहुँच जाए स्टेशन पर, नहीं दिल्ली कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 6 बजे वो गाड़ी चल देगी। भाई वंदे भारत है, शताब्दी के साथ एक बार हमारा सीन हो चुका है कि हम लोग बिल्कुल भाग चलती हुई गाड़ी को भाग के पकड़ें, और साथ में छोटा बच्चा भी है, तो भाई रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। भले बिफोर टाइम वहाँ पहुँच जाएँ, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। तो फटाफट अब जाता हूँ नीचे, तैयार होता हूँ, बाकी अगर कोई नहीं उठा उनको भी उठाता हूँ, और मैं अपना काम पे लग जाता हूँ, अपनी कैब वगैरह बुक करनी चालू करता हूँ। सामान वगैरह सब पैक हो चुका है, रात को ही सामान अब यहाँ सर के पास ही रख के सोया था, इधर उधर नहीं किया था। फटाफट से चलते हो जाके खुला है, पहले ही लाइन लगा ली है भीड़। ठीक है गाड़ी चलती चले, चलो हम जाऊँ ना घर, घर जाऊँ बोलो साथ में, साथ में चलो जय माता दी। ठीक है चलते ना, जय माता दी। तीसरे में है, बहुत सी3 में ना, सी3 में आ जाएंगे घूमते, कई नंबर सीट है 17 सी3 में। अरे घुसते दिख जाएंगे कहीं ना कहीं तो।
माता वैष्णो देवी कटरा, वंदे भारत एक्सप्रेस, मैं नई दिल्ली स्टेशन से चढ़ने वाले सभी यात्रियों का स्वागत करती है। अंबाला स्टेशन। क्या चीज़? और क्या? अभी गाड़ी चलते ऐसे हो जाए। स्टेशन है ना, उसमें गुदगुदी होने लगती पेट में, और जब बाहर देखोगे नीचे से लग रहा है कहाँ गए। ये फोर्ट्रेस बहुत ओके है। बाकी आने की भैया तो नाश्ते में महंगी बातचीत है। मुझे चाय नहीं चाहिए थी तो मैंने कॉफ़ी से रिप्लेस करवा लिया। ये सब नए बने हैं क्वार्टर, उधर के तोड़ तोड़ के इधर शिफ्ट कर दिए सबको। अभी नहीं आ रहा ना जम्मू तो शायद बहुत टाइम है। अभी 1 बजे दिखा रहा है, आधा घंटा है अभी, 12:30 हो रहे हैं। 1 बजे दिखा रहा है। हाँ अभी ट्रेन आई है, सारे के सारे लोग जितने हमसे पहले उतरे थे आपके लाइन में खड़े हो गए। देखो कितना टाइम लगता है हम लोग को यहाँ पे बस वो कार्ड लेने के लिए कि जहाँ पे हमारी एंट्री होती है, जिसकी वजह से तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाढ़ गंगा में। वहाँ पे पता किए थे तो बता रहे हैं कि काउंटर नंबर 2 का रास्ता है, हार्डली 2 किलोमीटर पड़ेगा, और ऑटो वाले उधर से घुमा के ले जा रहे हैं। तो हमने कब अभी तो मतलब है एनर्जी है तो आराम से अपना पैदल पैदल निकलते हैं, बाढ़ गंगा पहुँचते हैं। इसके बाद से वहाँ पे एंट्री वगैरह करा के अब देखते हैं वहाँ पे कितनी भीड़ है कितनी नहीं, क्योंकि ट्रेन के सारे लोग अब यहीं पे उतरे हैं, ये लास्ट स्टॉप है। अब यहाँ पे सारे लोग वही दर्शन के लिए आए हैं, तो अब देखते हैं कितनी भीड़ हो रखी है यहाँ पे। धीरे 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 चलते रहो चलते रहो। ये लॉन्ग कट है, हम लोग आए शॉर्टकट से। सीधे सीधे
सीधे। हाँ अब ये लेके आ गए। काफी ले आए अब। अब तो सबको कर दिया। इतना प्यार है तब बढ़िया सनसेट दिख रहा है। भरना है क्या? ओके भाई, इतना सेक्सी सनसेट दिख रहा है। ये भी कोई रास्ता बन रहा है, देखो ना। मेरे ख्याल से जो गाड़ी ला रहे हैं शायद उन लोग के लिए तो नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो कोई रास्ता है नहीं गाड़ी लाने के लिए। वही होगा ये। फाइनली आई गेस 3 घंटे बाद अर्धकुंवारी पहुंचे अपन। कैसा लग रहा है? बोला ना कुछ नहीं। हाँ। तो वो जो लाइट जल रही वही भवन है, वो जो चल रहे थे वहाँ की लाइट काट दी है, टॉर्च जला जला के जा रहे हम लोग। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो होगा 1 किलोमीटर के करीब और होगा ज़्यादा से ज़्यादा। सो फाइनली दर्शन वगैरह सब बढ़िया सा हो गया है। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अभी जा रहे सोने, रात की 1:45 सुबह 6 बजे चेकआउट करना है और भैरव मंदिर की चढ़ाई कल चालू करनी है। वहाँ पे कल मेरी भाई सबकी हालत खराब होने वाली है।